चलेगा, लेकिन पीने का इंतजाम जरूर रखना, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। हाँ, एक और नया मजनू आ गया भाई हमारे साथ रहने। अरे भाई मजनू नहीं, चिरंजीलाल नाम है मेरा। स्टेटस पटवारी का है, लेकिन क्या है, जेल में बताना अच्छा नहीं है। हाँ वैसे तुम मुझे एक्स पटवारी कह सकते हो, वो क्या है कि पटवारी लगाने से ना थोड़ा इज्जत बढ़ जाती है। मेरा नाम ठाकुर है। अच्छा 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 अच्छा, वैसे तुम मुझे सिर्फ ठाकुर कह सकते हो, क्योंकि ठाकुर कहलाने से भी इज्जत कम तो नहीं होती। अरे वाह, एक ठाकुर और एक्स पटवारी। यार क्या हुआ, बड़ा कमजोर है यार। अरे नहीं, वो क्या है कि क्या स्टेटस बढ़ गया इस मेहमान खाने का, दो इज्जतदार मेहमानों को रख के। वैसे तुम्हारी प्रमोशन कब हुई? क्या प्रमोशन? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि पुलिस हिरासत से इस बड़े घर में कब लाए गए? हाँ काफी दिन हो गए यार, अब तक तो मुकदमा शुरू ही नहीं हुआ और पता नहीं कितने दिन यहां पर रहना पड़ेगा। अरे सेम चीज अपने साथ हुई, सेम चीज। अरे अपना तो जुर्म ही नहीं था लेकिन फिर भी उठा। एक मिनट, वैसे जुर्म क्या था तुम्हारा? अरे जुर्म क्या होना था, जो किया था वो तो साबित नहीं हो सका। अब भाई क्या है, औहदे के हिसाब से खाने पीने के शौकीन तो थे, कड़की के दिन चल रहे थे, अंग्रेजी क्या देसी शराब पीने तक के पैसे नहीं थे, नाजायज चढ़ादारी भाई भट्टी की, और ऊपर से वो खोली वाले ने ढेर से पैसे मांग लिए। अब ठाकुर मुझे बताओ कि कीड़े मकोड़ों के जूस से बने 70 डिग्री की शराब सर पे तो चढ़ेगी और उसके बाद आंखें भी लाल होंगी और हाथ चल पड़े। फिर क्या हुआ? हाथ आ पाई, कुछ उसे लगी कुछ मुझे, लेकिन वो तो पुलिस को दे दिलाकर अभी तक नाजायज शराब बना रहा है बैठा हुआ वहां पे। लेकिन मुझ जैसा शरीफ इज्जतदार चिरंजी लाल एक्स पटवारी अंदर सरकारी गेस्ट हाउस में। वैसे शाही मेहमान खाने में असली इज्जतदारों की भी कमी नहीं है। कौन है भाई वो? एक असली इज्जतदार तो वो बैठा। कहां बैठा? अरे वहां बैठा है। अरे सरदार इंद्रजीत सिंह जी, क्या हो गया? मैं पटवारी। नहीं एक्स हो गया तो क्या हो गया? पटवारी चिरंजी लाल। क्या हुआ सरदार जी आपको? क्या हुआ मुझे? यहाँ जेल में खिताब नहीं देते? खिताब? जी ना, मैंने तो पहले आपकी दाढ़ी में एक भी सफेद बाल नहीं देखा था। आप पटवारी, जिंदगी जब झटके पे झटके देगी तो बाल तो सफेद होंगे ना। अरे झटके लगे आपके दुश्मनों की जिंदगी को, आप क्या खुश नहीं हुआ है पटवारी? मेरी जिंदगी में मेरी चाची, दादी जी, हाँ चाची जी का जिस हालत में स्वर्गवास हुआ उससे तो कोई भी हिल सकता है, मैं समझ सकता हूँ। आप उनको बुलाने का फिर से कष्ट करिए प्लीज। जस्ट ट्राई अंडरस्टैंड, उनसे कहिए कि इतने भी आइए साथ प्लीज जेलर साहब। सुनो, किसी भी तरह सरदार जी को विजिटर रूम में लेके आओ। या थैंक्स। तुम फिर आ गए हो परेशान करने। कितनी बार कहा है तुमसे, मुझे नहीं मिलना है किसी से। गुस्सा तुम तो सरदार साहब, एक बार उनसे जाके मिल तो लीजिए। पाजी रुक क्यों गई, आगे बोलो। पाजी कौन नहीं जानता कि आप भाभी से नाराज हैं, लेकिन प्लीज आप इनकी बात तो सुन लीजिए। मुझे कोई शौक नहीं है इसकी आवाज सुनने का। गुनाहगार मुझे आपकी, वो
मुझे फिकर ने अंधी कर दिया था, वरना चाची जी के साथ दो लफ्ज भी कड़वे या तीखे बोलूं कभी सपने में भी नहीं सोचा। चाची की जान तक तेरे जहर में डूबे हुए लफ्ज ही ले गए ना, वो बेचारी मासूम लड़की। तरुजा से तुम्हें 100 बार भी माफी मांगा ना, तो भी मेरा गुनाह माफी के लायक नहीं। बाजी भाभी को जितना अफसोस है तनुजा के इंटेंशंस पर शक करने का, दैट ओनली आई नो। तनुजा तो आई थी अपने भाप के खिलाफ बगावत करके, ओनली टू हेल्प रंजीत एंड दिलीप, बट हुआ तो वही ना जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। चाची की मौत ने रही सही कमी भी पूरी कर दी, घर को दो हिस्से में। काश मैं जेल से छुट्टी लेकर चाची के अंतिम संस्कार पर गया ही नहीं। काश मेरी आंखें अंधी हो गई होती, मैं ना देखता जो मैंने देखा। आपने तो सिर्फ देखा है ना, मैंने सब कुछ सहा है और सह रही हूं। ये कल्पना की अतुल, सबकी नजरों में मेरे लिए लब अलग तो मैं जहर भरा हुआ। मेरे बेटे ने कोई कसर नहीं छोड़ी। दिलीप और रंजीत अगर चाहते तो पहल करते, ये नफरत हटाते। You are being unfair, पाजी। बंगाली ब्यूटी और अब की आंखें तो चकाचौंध हो गई और वो एक के पीछे चलने लगा। अब
who can blame me up? She was so slim. और वैसे भी slim लड़कियाँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं. Especially उसकी walk. क्या चल रही थी वो? ये वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे. फिर क्या? हम लोग एक ऐसी जगह पे पहुँच गए कि वहाँ पे कोई भी नहीं था. तुमने कोई शैतानी तो नहीं की? अरे नहीं हाबा, मुझे ना पुराने दिन का गाना याद आ गया. अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो. अकेले अकेले. कैसे उपाय थी? उसका चेहरा देखता है. She was a... Fifteen? नहीं, अबा, she was 15. और मैंने अपना सैंडल निकाला और मुझे वो बंगाली म्यूजिक बजाया. छल्ली कर देता लिस, एक बार और अच्छी तरह से सोच ले. भाभी, मैं हर काम सोच समझ कर ही करती हूँ. प्लीज अब मुझे मत रोको. देख लिस, ये तो बहुत ही अच्छा है कि तेरा बेटा आशीष आ रहा है. वो यहाँ आ जाएगा तो मेरा मन भी लग जाएगा. तो उसको फोन करके कह दे कि फ्लाइट लेके सीधा दिल्ली आ जाए, बंबई जाने की कोई जरूरत नहीं. आशीष काफी छोटा है, उसे ये भी नहीं मालूम कि चाची के डेथ के बाद इस घर में क्या नहीं हुआ. वो तो ठीक है, फिर भी क्या भाभी, यही ना कि आशीष के वहां जाने से कल्पना दीदी के घर में कुछ ऑकवर्डनेस ही हो जाएगी. और इतनी बड़ी बात भी तो नहीं हुई है, हम एक दूसरे के दुश्मन तो नहीं बन गए ना. सुन कर्मा वाली, नो कर्मा वाली, मुझे आशीष का भी तो इंटरेस्ट देखना है ना. उसने खुद चाहा है कि वो अपनी कल्पना आंटी के घर रहकर ही आएगा और मैं उसे रोक नहीं सकती. He's a very sensitive child. और फिर तनुजा और आशीष, no doubt they're cousins, पर वो एक दूसरे से मिले भी नहीं है. हाँ, चिट्ठियां जरूर लिखते थे एक दूसरे को, just like pen friends. अब तूने वहां जाने की सोच ही ली है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ. लेकिन अपने आप को संभालो बेटे. ये शबनम कह रही थी कि जब तुम फ्रेंड्स के बीच में होती हो तब भी ऐसे ही. इट्स ओके मामा, डोंट वरी अबाउट मी, आई विल बी ऑल राइट. अरे ये किसकी फोटो है? गेस. नहीं तो क्या, हम दोनों एक दूसरे को चिट्ठियां ही तो लिखा करते थे, कभी मिल नहीं पाए. तो एक दिन मैंने उसे कहा कि मुझे अपनी एक फोटो भेज दे. एंड ही सेंड दैट. उस दिन लिज मामी ने बताया आशीष वेकेशन के लिए इंडिया आ रहा है.
but I hope that he never comes and I never see him. Now, Mama, don't tell me that you don't know. उधर नानी के लिए गुरुद्वारे में पाठ होने वाला है। रंजीत का मामा, आशीष का बाप, मुझे इस तरह घूर रहा था, जैसे जैसे एब्सेंट डिजीज पर्सन। और एक आध बार तो उन्होंने मुझे राकेश की बेटी कहकर मिस मामी से बात की। अब जानती हो मामा? क्या? क्या बेटा? मैंने खुद मिस मामी को रंजीत मामा से ये कहते हुए सुना कि मैं लुधियाना इसलिए गई थी कि मैं अतुल मामा से कहकर दिलीप भैया और रंजीत मामा की मदद कराऊं। एंड मामा यू नो ऑल द फैक्ट्स राइट? तो क्या बेटे बोलना? मैं रंजीत मामा के लिए उनके दुश्मन की बेटी हूं। तो फिर रंजीत मामा क्या हुए? रंजीत मामा मेरे डैड के दुश्मन हैं और आशीष मेरे डैड के दुश्मन का बेटा। और अगर आशीष इंडिया आया तो भी मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी। एक सेकेंड, अतुल मामा का फोन है। तू जा बेटे, गो इनसाइड। हेलो, गो इनसाइड। हाँ अतुल, अतुल मुझे पता चला कि लिज बॉम्बे आ रही है आशीष को पिकअप करने। हेलो बेटे। हेलो। हाय कल्पना दीदी। हाय लिज, मुझे पता चला कि तुम आ रही हो। मैंने तुम्हारा रहने का इंतजाम गेस्ट हाउस में कर दिया है। Now I get the picture.